नमस्कार दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल रेलवे मैकेनिकल इन्फो में आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक डीजल इंजन कैसे इलेक्ट्रिक इंजन में कन्वर्ट होते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक मेरे चैनल में नया है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक दीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इंडियन रेलवे में जितने भी डीजल इंजन है उनमें से ये पहला होगा जो कि डीजल इंजन को इलेक्ट्रिक इंजन में कन्वर्ट किया जा रहा है। दोस्तों, आप लोग देखते हैं भारतीय रेल में सारी जगह पूरे इलेक्ट्रिसिटी कर दिया जा रहा है। 2017 से 18 में टारगेट है कि आपको 4,500 तक किलोमीटर का इलेक्ट्रिसिटी किया जाएगा और 2018 से 19 के बीच में भारतीय रेल में टारगेट है कि 6,000 किलोमीटर की रेल को इलेक्ट्रिसिटी किया जाएगा। देखिए दोस्तों, ये इंजन आगे डीजल इंजन हुआ करता था, लेकिन अभी ये इलेक्ट्रिक इंजन में बदला गया। पहले ये इंजन 2600 हॉर्स पावर के होते थे, बट अभी इनको 5000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक इंजन किया गया। लेकिन दोस्तों, ये इंजन दो मिलाकर 5000 मतलब 10000 हॉर्स पावर में बदला दिया गया। ये काम बड़ी सफलता के साथ बनारस के DLW में बड़ी ज़ोरदार से काम चल रही है। आप देख सकते हैं कि कितने आसानी से ये इंजन चल रही है दूसरा इलेक्ट्रिक इंजन का तरह। रेल के कहना है कि जब ये डीजल इंजन 18 साल में एक बार रिहैबिलिटेशन में जाते हैं तो करीबन 5 से 6 करोड़ रुपया का खर्चा होता है। रेल को कहना है कि अगर रिहैबिलिटेशन के टाइम में कन्वर्शन किया जाए तो 2.5 से 3 करोड़ रुपया का बचत हो सकता। तो अगर रिहैबिलिटेशन पर इंजन को कन्वर्ट किया जाए तो रेल के 3 करोड़ बचत होती है। तो 11,000 डीजल लोगों को आस्ते आस्ते कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये काम इसलिए किया जा रहा है कि इंडियन रेलवे में आस्ते आस्ते पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन करने का प्रोग्राम ले चुका है। तो दोस्तों, अगर इस इंजन के बारे बात करते हैं तो 10,000 हॉर्स पावर के ये इंजन आसानी से इंडियन रेलवे में फ्रेट वागन को 80 KMPH में चला सकता है। अभी आप लोग देख सकते हैं कि जहां इस डीजल इंजन का इंजन होते थे उधर एक ट्रांसफार्मर बैठा है, और ऊपर देखिए तो उधर एक इलेक्ट्रिक के लिए पेंटो बैठा दिया गया है। जब इंजन डीजल में थे तभी ये 2600 हॉर्स पावर के होते थे, लेकिन दोस्तों अभी ये जो है दो इंजन मिलाकर 5000 हॉर्स पावर मतलब एक इंजन का यूनिट हो गया 10,000 हॉर्स पावर के अभी इनको कन्वर्ट किया गया है। तो दोस्तों, बात ये हुआ कि एक इंजन के 36 साल के कोडल लाइफ होते हैं, और ये 18 साल में जब ये एक बार रिहैबिलिटेशन में जाते हैं तो 5 से 6 करोड़ रुपए के रेल के खर्चा होते हैं। उस टाइम अगर इसको अगर कन्वर्शन किया जाए तो रेल को 2.5 से 3 करोड़ रुपये की बचत होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा हॉर्स पावर से ये इंजन तैयार होते हैं और इसका स्पीड भी बढ़ते हैं, और इसमें जो इंडियन रेलवे में जो फ्रेट वागन होते हैं ज़्यादा लोड टाने की क्षमता भी रखते हैं, और बाकी 18 साल ये इंजन आसानी से चलते हैं। और ये इंजन करीबन 70 दिन लॉन्ग हॉल ट्रेन में चल सकते हैं और ज़्यादा तेज गति से चलने का लाइक होते हैं। स्पीड में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक्सीलरेशन बढ़ती है तो एक लाइन पटरी पर बहुत ज़्यादा आपके गाड़ी चल सकते हैं। कि इंडियन रेलवे में अभी इस रास्ता में चल रहे हैं कि कम समय में जितने ज़्यादा से ज़्यादा माल ढोने का काम करना है, और कम समय में जितना ज़्यादा से ज़्यादा रेल का आर्न होना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरीके से हो सकते हैं आप जान पाए कि इंडियन रेलवे में आपके क्यों इस डीजल पावर को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर रहे हैं और किस लिए और कैसे। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अगर चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, कमेंट बॉक्स में कुछ गलती होगा तो बताइए, और इस तरीके के वीडियो आते रहेंगे, आप लोग देखते रहिए। तब तक के लिए इंतज़ार करिए, नेक्स्ट वीडियो आएंगे। चलिए, गुड बाय।